हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी एयरटेल सिम का यूज़ करते हो और आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे फ़ोन में डाटा चालू है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, ना ही यहाँ पे नेट शो हो रहा है। तो अगर आप भी एयरटेल सिम चलाते हो और आपके मोबाइल में नेट नहीं चल रहा है तो आप ये वीडियो देखिएगा, 101% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इंटरनेट चलने लगेगा। तो कैसे सही करना है, चलिए वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे। तो सेटिंग्स ऐप देखेंगे, देन आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेटिंग्स ऐप पे क्लिक करते हो, उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आइएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सिम कार्ड्स मोबाइल नेटवर्क्स का, ये आप देख लीजिएगा। तो आप नीचे देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे सिम कार्ड्स नेटवर्क्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपने एयरटेल सिम पे क्लिक करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके में दो सिम पड़े होंगे तो आपको अपने एयरटेल पे क्लिक करना है जिसपे नेट नहीं चल रहा है। ओके, तो ये है एयरटेल, मैं इस पर टच करता हूँ। मेरे में तो एक ही है वैसे पड़ा है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप अपने सिम पे क्लिक करते हो, एयरटेल लिखा होगा उस पर क्लिक करना। आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा सिम कार्ड सेटिंग्स करके। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम्स का, ये आप देख लीजिएगा। हो सकता है यहाँ पे शॉर्टकट में APN लिखा होगा, तो जो भी लिखा होता है आप इस पर टच करना। तो जैसे आप एक्सेस पॉइंट नेम पे क्लिक करते हो, तो जैसे आप क्लिक कर देते हो APNs यहाँ पे ऐसा कुछ ओपन हो जाएगा। अब यहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए आपके एयरटेल सिम पे नेट नहीं चल रहा होगा, राइट। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक APN फाइल्स मिल जाएगी। तो मेरे केस में यहाँ पे वो फाइल डिलीट हो चुकी है, तो अगर आपके में भी डिलीट हुई होगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा ऑप्शन होगा। लेकिन हो सकता है कि आपके में यहाँ पे APN फाइल्स होगी। ओके, तो हो सकता है कि उस APN फाइल्स में आपने कुछ चेंज किया हो, या फिर गलती से चेंज हो गया हो, या फिर ऑटोमेटिकली उसमें कोई ना कोई गड़बड़ हो गया होगा, इसीलिए आपके एयरटेल पे नेट नहीं चल रहा होगा, राइट। तो अब दोस्तों आपको करना क्या, अगर वो फाइल पड़ी है तो उसे आप पड़े रहने दो, उसमें आप कुछ मत करो। अब आपको एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेना है। जैसे आप एक नई APN फाइल क्रिएट करोगे फिर आपके एयरटेल पे नेट चलने लगेगा। आप यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं, नीचे दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला आपको मिल जाएगा न्यू APN का, दूसरा आपको मिल जाएगा रिसेट का। तो पहले तो आप रिसेट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप रिसेट पे क्लिक करोगे तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक APN फाइल क्रिएट हो जाए, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे दोस्तों आपके एयरटेल पे नेट चलने लगेगा। लेकिन अगर आप रिसेट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे APN फाइल जो आपकी होगी वो सही नहीं होती है और नेट नहीं चलता है, तो फिर उसके लिए आपको एक फ़ाइल अपने से बनाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू APN का, राइट। तो आप यहाँ पे न्यू APN पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप न्यू APN पे क्लिक करते हो तो अब यहाँ पे आपको फाइल सेटअप कर लेना है। यहाँ पे आपको क्या डालना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं जो यहाँ पे टाइप करूँगा वही आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले नेम पूछेगा, आप यहाँ पे नेम पे क्लिक करेंगे। नेम में यहाँ पे आप डाल देंगे एयरटेल, राइट। तो यहाँ पे आप एयरटेल टाइप करेंगे, उसके बाद में ओके करेंगे। उसके बाद में APN पे क्लिक करना है। नीचे APN पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिख देना है इंटरनेट, आप देख लीजिएगा। APN में यहाँ पे आप इंटरनेट लिखेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद में प्रॉक्सी का जो ऑप्शन है इसको आप छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा पोर्ट का, आप पोर्ट पर क्लिक करेंगे और इसमें आप टाइप कर देंगे 8080 8080, उसके बाद में ओके करेंगे। उसके बाद में यूज़र नेम को छोड़ देंगे, पासवर्ड को छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्वर का, आप यहाँ पे सर्वर पे क्लिक करेंगे और इसमें आप टाइप कर देंगे www.google.com। उसके बाद में आप यहाँ पे ओके करेंगे। ओके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे MMSC इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी नहीं। आप नीचे आइएगा सीधे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा APN प्रोटोकॉल का, आप इस पर टच करेंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिकली IPv4 IPv6 सेलेक्ट ही होता है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये सेलेक्ट होता है। अगर नहीं है तो आप क्लिक कर देना राइट, 4 या 6 पे क्लिक कर देना, या फिर ये दो सेलेक्ट हैं तो ये सेलेक्ट ही रहने देना। सेम इसी तरीके से इस पर भी क्लिक करके यही रहना चाहिए। उसके बाद में नीचे आप यहाँ पर बेरर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही होता है, तो आप इसको सेलेक्ट रहने देंगे। और इसके अलावा अगर ये ऑप्शन आपको मिल जाते हैं LTE और HSPA, ये ऑप्शन अगर मिल जाते हैं तो आप इन पर क्लिक कर करके इन सभी को सेलेक्ट कर लेना, देन आप ओके पे नीचे क्लिक कर देना, राइट। और अगर आपके में ये नहीं मिलता, सिर्फ यही ही रहता है, तो कुछ नहीं करेंगे,
ओके करेंगे। ओके तो बस आपको ये कर लेना है जो मैंने आपको बताया, उसके बाद में नीचे आप मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सेव पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो कि तुरंत ही हमारे एयरटेल सिम पे यहाँ पे नेट जो है वो चालू हो चुका है, नेट शो हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। राइट, और इसी के साथ ही साथ आपने जो ये APN बनाया होगा आप इस पर एक बार ऐसे टच कर देना ताकि यही APN सेलेक्ट हो। ओके तो बस आपको बाइक आना है, तो इस प्रकार से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए मैं आपको यूट्यूब ओपन करके दिखाता हूँ कि नेट चल रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो नेट यहाँ पे चलने तो लगा इस है। इस प्रकार से अगर आप भी एयरटेल का सिम यूज़ करते हो और उसमें नेट नहीं चल रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आओ सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।